तो बिलाल सोच तो अपनी जगह है, टीचर वीचर सब कहेंगे वाह वाह वाह, लेकिन घर पे जब बंदा जाके कहता है तो रिएक्शन बड़ी फर्क होती है। तो जब आपने घर जाके फाइनली कहा कि मैंने म्यूजिक को ही परसू करना है, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला और फिर आप म्यूजिक के अंदर एंटर कैसे हुए? असल में स्कूल लेवल पे तो सारी कर लेते हैं, उसके बाद एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आए, बट पहले घर वालों का रिएक्शन? घर वालों का रिएक्शन ये होता कि जब मैंने कॉलेज में प्राइज जीता था तो मैं गिटार लेके आया था घर, घर वहां से मुझे गिटार मिला था, तो सब ने मुझे अप्रिशिएट किया, पेरेंट्स अम्मी ने खासकर और मेरे बहन भाइयों ने और रिलेटिव्स ने भी, लेकिन सिवाय अब्बू के। अब्बू का जो था इंप्रेशन वो अच्छा नहीं था म्यूजिक के। उन्होंने कहा है कि आपको स्टडी करवा रहा हूँ, आप उसी में आगे बढ़ो, ये वो, लेकिन फिर भी मैंने म्यूजिक को जारी रखा क्योंकि मेरा शौक था और तो पढ़ाई को भी साथ साथ, स्टडी को भी साथ साथ जारी रखा फिर मैंने, और इसी तरह फिर साथ साथ आगे म्यूजिक को चलाता गया। साथ साथ अब्बू जो है वो फिर भी मना करते रहते थे, गुस्सा होते थे, लेकिन मैं क्योंकि शौक जो है ना, वो जब शौक पड़ जाए तो फिर मैं कहता हूँ कि वो बस बंदे को रोक नहीं सकता, किसी बंदा अपने आप को नहीं रोक पाता तो कोई क्या रोके। नहीं, बट देन एंटर कैसे हुए प्रोफेशनली, कैसे इसमें आए? प्रोफेशनल पहला गाना बनाना जी, प्रोफेशनल फील्ड में एंटर होने की बात होती है और वो कोई आसान काम नहीं होता क्योंकि कख नहीं पता होता जी। मैं स्टूडियो बिल्कुल नहीं गया था, तो मुझे बिल्कुल स्टूडियो जाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मैंने सबसे पहले अपना सॉन्ग किनारा लिखा, किनारा, और फिर उसकी कंपोजिशन, म्यूजिक डायरेक्शन सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे नहीं पता था कि स्टूडियो कहाँ होता है, ये भी नहीं पता था, तो मेरे जो किसी को भी नहीं पता होता एक्चुअली ये तो उन्हीं लोगों को पता जो उस फील्ड से इनका ताल्लुक होता है। फिर मेरा एक दोस्त है, उससे मेरा रब्ता हुआ, उसको स्टूडियो का पता था कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है स्टूडियो, फिर मैं स्टूडियो गया, वहाँ पे ट्रैक्स वगैरह बने, रिकॉर्डिंग हुई, वोकल्स हुए, इस तरह मेरा पहला ट्रैक आया, फिर उसको मैंने उसका वीडियो शूट किया। तो नहीं, वीडियो की कहानी अलग है, वीडियो की कहानी अलग है, क्योंकि वीडियो बनाना कभी कभी गाना एक्चुअली गाने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि वो भी एक पूरी मिशन होती है। लेकिन क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो सिर्फ आपसे हम सॉन्ग सुनते सुनते ब्रेक में जाएंगे।